खबर बर्लिन जर्मनी तो है जिथे कि लगातार 10 दिनों में काफ़ी वड्डे हादसे होए हैं जिन्हों में एक हाईवे ते 25 तो भी वध गड्डियां आपस में टकराउन नाल 6 लोग गंभीर रूप में जख्मी हो गए और हालत काफ़ी गंभीर दसी जा रही है। इस नाल ही महामारी ने भी जर्मनी नू के रखा है। सो पूरी जानकारी देंगे साढ़े सहयोगी परमजीत कौर जर्मनी तो। पिछले 2 हफ्तों तो बर्लिन दे विच कोई भी चंगी खबर नहीं आई। 29 साल पंजाबी नौजवान की मौत होने करके बर्लिन विच रहिंदी पंजाबी कम्यूनिटी शोक विच डुबी हुई है। उधर दूजे पासे एक हाईवे ते बहुत भारी एक्सीडेंट होया। दस्या जांदा है कि एक इराकी मूल दे ड्राइवर ने जान बुझ के अपनी गड्डी दूजियां गड्डियां विच मारी ते 30 गड्डियां आपस विच टकराइयां। 6 लोग गंभीर जख्मी हो गए। दस्या जांदा है कि वह जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर एक होर एक्सीडेंट विच एक गड्डी विच वज के साइकिल चालक की मौके ते ही मौत हो गई। इधर कोरोना वायरस के केस वधदे जा रहे हैं जर्मनी दे विच। 2 हफ्ते पहलों बर्लिन विच 825 स्कूल खोले गए सन। दस्या जांदा है कि जो 2 हफ्तियां बाद टेस्ट होए तो 41 स्कूलों के बच्चे ते टीचर पॉजिटिव पाए गए ते उन्हां नूं क्वारंटाइन विच रख्या गया है ते अगे स्कूल लगने हन जां नहीं इस बारे विचार चर्चा की जा रही है। कदों चंगियां खबरां आउणगियां, तकदीरां होणी नाल टकराउणगियां। ना मरणगे जवान पुत्र ते ना मावां ही करलाउणगियां। मैं परमजीत कौर, PTC पंजाबी न्यूज़ दे लई बर्लिन जर्मनी तों।